हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ गिव के कुछ सेंटेंसेस। आप इसको फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार सुना होगा ना, गिव अवे हो रहा है, गिव ऑफ हो रहा है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं। अब देखते हैं गिव अवे का मतलब क्या होता है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू डोनेट और गिव समथिंग टू समवन फॉर फ्री। किसी को कोई भी चीज़ जो है वो मुफ्त में दान देना या फिर देना, ठीक है। गिव अवे यानी किसी को कोई भी चीज़ मुफ्त में दान देना या देना। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत बार होता रहता है कि गिव अवे है, गिव अवे यानी कि वो मुफ्त में कोई चीज़ दान दे रहे हैं। सेंटेंस देखते हैं इसका। शी डिसाइडेड टू गिव अवे हर ओल्ड क्लोथ्स टू अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया या फिर उसने तय किया टू गिव अवे हर ओल्ड क्लोथ्स टू अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। उसने अपने कपड़े पुराने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को देने का फैसला किया। यहाँ पे आप कपड़ों की जगह कुछ और भी दे सकते हैं और ओल्ड की जगह भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गिव से हम देख सकते हैं गिव ऑफ। गिव ऑफ का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, सिंपली आप देखेंगे टू अमिट और प्रोड्यूस समथिंग, यूजुअली अ स्मेल और गैस। कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, जैसे कोई आमतौर पर हम बोल सकते हैं कि कोई गैस निकालना या कोई स्मेल निकालना, जैसे कि कोई चीज़ बनाना आमतौर पर गंध या फिर कोई गैस। सेंटेंस के रूप में देखेंगे इसे हम, द फ्लावर्स इन द गार्डन गिव ऑफ अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, अच्छी महक, खुशबू किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, द फ्लावर्स इन द गार्डन गिव ऑफ अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। बगीचे में लगे फूल जो हैं वो मोहक या मनमोहक खुशबू बिखेर रहे थे। सिंपली इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, गिव ऑफ मीन्स कोई चीज़ बनाना या फिर आमतौर पर गंध या कोई गैस बनाना, गिव ऑफ, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम गिव से ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा, और ये सेंटेंस हमारा क्या है, गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, किसी पर या किसी चीज़ पर विश्वास करना या उसका साथ देना बंद कर देना। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, टू स्टॉप बिलीविंग इन और सपोर्टिंग समवन और समथिंग। टू स्टॉप बिलीविंग इन और सपोर्ट समवन और समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर उसका साथ देना या उस पर विश्वास करना बंद कर देना। सेंटेंस देखते हैं, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप वर्किंग टूवर्ड्स देम। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप वर्किंग टूवर्ड्स देम। सिंपल इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ भी करते हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो, उन पर काम करते रहो, कंटिन्यू उन पर काम करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका सेंटेंस, गिव से ही होने वाला है, और ये जो वर्ड है ना गिव, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा गिव आउट। गिव आउट का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, हम सिंपली इसका मीनिंग देखते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू डिस्ट्रीब्यूट और हैंड आउट समथिंग टू पीपल। टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, सिंपली हम कहते हैं ना बांटना कोई भी चीज़ को, और हैंड आउट समथिंग टू पीपल, लोगों को कोई चीज़ बांटना या फिर हैंड आउट सौंप देना, ठीक है। लोगों को कोई भी चीज़ बांटना या फिर उसको सौंप देना। हम इंग्लिश में इसका सेंटेंस देखते हैं, द टीचर गेव आउट द वर्कशीट्स टू द स्टूडेंट्स। जो टीचर है गिव आउट यानी कि उसने बांट दी या फिर सौंप दी द वर्कशीट्स, जो भी वर्कशीट थी, टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। तो सिंपली हिंदी में क्या इसका मीनिंग हुआ, टीचर ने छात्रों को या फिर विद्यार्थियों को वर्कशीट्स दी। ज़रूरी नहीं है कि हम बांटना या सौंपना बोले, देना इसका सेम मीनिंग होता है। ये चीज़ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें आपको खुद से भी सोचनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है गिव इन। अब गिव इन का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, इसको हम सिंपली देखते हैं। ये भी एक तरीके से फ्रेजल वर्ब ही है हमारी, और बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है आज के टाइम में। अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो आप देखोगे इनका यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा होता है। गिव इन का मतलब होता है टू सबमिट और सरेंडर टू समवन और समथिंग। टू सबमिट और सरेंडर टू समवन और समथिंग, किसी को या किसी चीज़ को जमा कर देना, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं इसका सेंटेंस, शी वॉज सो टायर्ड of arguing that she finally gave in and agreed to his proposal. She was so tired of arguing that she finally gave in and agreed to him, his proposal. वो बहस करते करते इतनी थक गई कि उसने आखिरकार हार मान ली और उसका प्रस्ताव जो था उस पर वो सहमत हो गई, यानी कि उसने जो अपनी तरफ से जो चीज़ थी वो जमा कर दी कि भैया मैं तो थक गई, मैं तो हार गई, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा गिव बैक। गिव बैक मीन्स क्या होता है, गिव बैक मतलब होता है इंग्लिश में इसका मीनिंग कि किसी भी की भी कोई भी जो चीज़ है। इंग्लिश में पहले इसका मीनिंग देखते हैं, टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओनर।
जिसकी भी जो चीज़ है गिव बैक, यानी कि अगर मैंने किसी से कोई सामान मंगाया उसको वापस दे देना, उसके मालिक को उसको लौटा देना, उसको वापस दे देना। सेंटेंस के रूप में इसको हम देख लेंगे सिंपली। इसका सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं, करण प्रोमिस्ड टू गिव बैक द बुक्स ही बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी लास्ट वीक। करण प्रोमिस्ड टू गिव बैक यानी कि उसको उसके मालिक को वापस लौटाने का, द बुक ही बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी लास्ट वीक। करण ने पिछले हफ्ते लाइब्रेरी से जो बुक उधार ली थी उसको वापस करने का वादा किया था, ठीक है, उसको वापस करने का। किसको? लाइब्रेरी को, क्योंकि वो लाइब्रेरी का मालिक है, लाइब्रेरी से ही उस बुक को उसने लिया था इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट भी है गिव अप। गिव अप का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? टू स्टॉप ट्राइंग और स्टॉप डूइंग समथिंग। टू स्टॉप ट्राइंग और स्टॉप डूइंग समथिंग, कोशिश करना बंद करना या कुछ करना बंद करना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, टू स्टॉप ट्राइंग और स्टॉप डूइंग समथिंग। सेंटेंस देखते हैं इसका, आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स ही फाइनली गेव अप ट्राइंग टू पास द एग्जाम। आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम ही फाइनली गेव अप ट्राइंग टू पास द एग्जाम। उसने कई बार फेल होने के बाद आखिरकार उन्होंने परीक्षा पार करने की कोशिश को छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने गिव अप कर दिया। बट यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस वर्ड को यूज़ आपको तब करना है जब आप कहते हैं कि कोशिश करने के बाद उसने छोड़ा है, ऐसे कि उसने शुरू से ही छोड़ दिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये जो वर्ड्स हैं आपके काम के रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सिमिलर वर्ड्स, या आप कुछ और नए सेंटेंसेस बना सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा